सीमांकन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा ये एग्जाम में आ चुके हुए क्वेश्चन है, कैसे आपको सीमांकन करना है। ये आपको पूरे जितने आप एग्जाम में सीमांकन करने वाले हैं आपके सवाल के उसके ऊपर भी चीजों को ध्यान देना, ठीक है ना। तो दो प्रकार की सीमांकन पद्धतियां हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यही दो एग्जाम में अभी तक पूछी गई है, बार बार रिपीट की गई है। तो इसको विमांकन को अंग्रेजी में हम डायमेंशनिंग के नाम से जानते हैं, या डायमें, ठीक है ना, विमांकन। तो इसमें सबसे पहले हम इसके कुछ अवयव हैं उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए इसमें ये जो रेखा है उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन। ध्यान रखना है कि इसको हमको डार्क खींचना है, ठीक है ना, डार्क खींचेंगे विमांकन। अगर हिडन लाइन है तो हिडन लाइन का विमांकन हमको नहीं करना है, जहां पे हिडन लाइन डार्क रूप में दिखाई देगी पीछे वाले पोर्शन पे जहां पे दिख रही है वहीं पे उसका विमांकन होगा, विमांकन हिडन लाइन का नहीं किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, विमांकन के नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ये जो लाइन है आपकी यहाँ से वस्तु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, इसके और इसके बीच में कम से कम 2 mm का गैप होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये हल्की पतली लाइन होगी, इससे ज्यादा कम नहीं है, नहीं ज्यादा हो सकता है कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ ज्यादा आप कर सकते हैं कम नहीं कर सकते, लेकिन गैप यहाँ पे जरूर रखेंगे, जोड़ के नहीं निकालेंगे, जोड़ के निकालेंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लाइन खींच रहे हैं इसका गैप कम से कम, अधिकतम की कोई डेफिनेशन नहीं है, कम से कम ये जो गैप होगा विमांकन रेखा और इसके बीच में ये कम से कम 8 mm का गैप होना चाहिए, मिनिमम 1 mm। ध्यान रखिएगा विमांकन करते समय जो आपको सावधानियां रखनी है, मिनिमम जो गैप होगा वो 8 mm का होगा और जो इस पे डिजिट लिखे जाएंगे वो 6 mm के होंगे, ठीक है ना। और एक विमांकन रेखा से दूसरे विमांकन रेखा के बीच का भी जो गैप होगा वो कितने mm होगा, 8 mm का होगा, ठीक है ना। एक विमांकन रेखा से दूसरे विमांकन रेखा का जो गैप होगा वो 8 mm का होगा। एरो हेड जो आप बनाएंगे तो जो एरो हेड आपने यहाँ बनाया सेम साइज का इधर बनाना, सेम साइज का इधर, ऐसा नहीं कि एक में आप बड़ा बना दें और एक में आप छोटा बनाए, ठीक है ना। एरो हेड का जो अनुपात होता है आपको पहले से आपने पढ़ रखा है, ये ऊंचाई में 3 और चौड़ाई में 1, 1:3 का स्तर अनुपात होता है, ठीक है ना। और ये एरो हेड कैसा होना चाहिए, पूर्णतः भरा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल नुकीला एरो हेड आप इस पे बनाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आपके नंबर को काटती हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो ये हो गया विमांकन में कि करना कैसे। अब विमांकन की हमारी दो प्रमुख पद्धतियां हैं जो एग्जाम में बनाने के लिए आती है। विमांकन की दो पद्धतियां कौन सी हैं, एक है पहला अलाइन सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संरेखीय पद्धति के नाम से जानते हैं, संरेखीय व्यवस्था भी कह सकते हैं, है ना, या पद्धति। इसमें हम रेखा जैसे कोई चित्र है ना, ये चित्र है आपका, एग्जाम में आपको बोलता है कि इसका विमांकन करना है, यही एज इट इज, यही चित्र कई बार रिपीट हुआ है इसलिए मैं इसी को बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। इस तरह से आपको परीक्षा में आएगा, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपका 25, 10, 15, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है आपके 20, 25, है ना, 10 और 15, ठीक है। मतलब ये 60x60 का है ना, अगर आप इसको ऐड करेंगे 25, 15, 40
और दस दस पचास, पचास बाई पचास का है, ठीक है ना। कितने बाई कितने का है, पचास बाई पचास का है। अब इसको कहता है क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि दिए गए टेम्पलेट का संरेखीय पद्धति में विमांकन करें, ऐसा सवाल रहेगा। इस पे क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए टेम्पलेट का, इस तरह से आपको चित्र दिया रहेगा, कहेगा कि इसको संरेखीय पद्धति में आपको इसका विमांकन करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप 50 बाई 50 का 2H पेंसिल से बॉक्स बना देंगे, कितने का 50 बाई 50, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप मार्किंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक 25, ठीक है। फिर 25 के बाद नीचे आना, फिर 25, फिर इसके बाद फिर 10, फिर नीचे आएंगे 10, फिर इसके बाद 15 और ये 15। इस तरह से पहले तो आप ये मार्किंग करेंगे, फिर इसको आप डार्क ऑब्जेक्ट लाइन के रूप में बना देंगे। फिर इस पर विमांकन कैसे करना है संरेखीय पद्धति में, ये लाइनें आपके पास हैं, ठीक है। तो इधर का विमांकन आप यहाँ से करें, है ना, ये विमांकन आप लाइन के ऊपर करेंगे संरेखीय पद्धति और एक दिशा वाली पद्धति, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में अंतर से कितना होता है कि जो हमारा विमांकन होता है वो लाइन के ऊपर होता है, ठीक है ना। संरेखीय में हम लाइन के ऊपर करते हैं और एक दिशा वाली पद्धति में लाइन को तोड़ कर करते हैं, ठीक है। तो हम प्रयास ये करें कि हमको वस्तु की लाइनों का, जैसे ये ऑब्जेक्ट लाइन है, उसका उपयोग ना करना पड़े। जैसे आपको उत्तर में कहीं दिया था कि यहाँ पे जो हमने एक आपको आंसर बना के आंसर दिया था, मतलब उससे निकाल के, तो यहाँ पे इसका उपयोग किया गया था, तो आपको नहीं करना है। आप करेंगे तो ये गलत हो सकता है, इसलिए आप प्रयास ये करें कि इसका उपयोग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम विमांकन कर लेंगे, ये आपका 10 है, ये वाला पोर्शन 10 है ना, और ये पोर्शन आपका 15 है, और यहाँ पे भी इसी तरह से एक सीध में विमांकन कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पोर्शन आ रहा है कितना आ रहा है 10 का, और नीचे वाला इसका 15 है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका संरेखीय पद्धति में विमांकन करेंगे। लाइन को सीधा रखेंगे, थोड़ा टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा रखेंगे, एरो एक बराबर बनाएंगे और लाइन के ऊपर विमांकन करेंगे। ये अगर आपने बना लिया तो 7-8 नंबर का जो भी ये क्वेश्चन होगा ये आपका कंफर्म हो जाएगा। बस हमको जानकारी नहीं होती कि हमने बनाया कैसे। तो संरेखीय पद्धति में क्या होता है, रेखा के ऊपर विमांकन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे सवाल की तरफ चलें, अगर लाइन को तोड़ के करोगे तो वो एक दिशा वाली पद्धति, ठीक है ना। अब दूसरा जो पद्धति, अभी हमने आपको संरेखीय पद्धति से विमांकन बताया, अब दूसरा पद्धति है एक दिशा वाली पद्धति, जिसको हम अंग्रेजी में यूनि डायरेक्शनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक दिशा वाली पद्धति। एक दिशा वाली पद्धति, ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कर देंगे और आपका 10 नंबर जो फ्री में मिलने वाला वो चला जाएगा सिर्फ विमांकन नहीं करने की वजह से। एक दिशा वाली पद्धति या व्यवस्था, जो भी आप कह लें, है ना। इसमें भी इसी तरह से एक सवाल आपको आएगा, देखिए किस तरह का सवाल है, ये कुछ इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये पहले भी पूछा गया है, जिसको मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अरे 35 और ये 30, ठीक है, और ये 30, यहाँ पे आपको हाइट दी रहेगी 60 और चौड़ाई दी रहेगी 60, ठीक है ना। अब इस पे दिया रहेगा कि ये सवाल है एक दिशा वाली पद्धति,
यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि एक दिशा वाली पद्धति, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक दिशा वाली पद्धति में होता क्या, वहां पे सिर्फ ये चित्र बना रहेगा और सवाल रहेगा कि दिए गए टेम्पलेट को एक दिशा वाली पद्धति में आप विमांकन करके बताएं, ठीक है ना। तो आप इसका विमांकन कैसे एक दिशा वाली पद्धति में करेंगे मैं कैसे बता रहा हूँ। एक दिशा वाली पद्धति में ये आप देख रहे हैं कितना है, ऊंचाई है 60 और चौड़ाई है 60, तो हम क्या करेंगे 60 बाई 60 का बॉक्स बना लेंगे 2H पेंसिल से, ठीक है। 2H पेंसिल से सबसे पहले हम 60 बाई 60 का क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद अच्छा आप यहाँ पे विमांकन करके ये दर्शा सकते हैं कि हमने 60 बाई 60 का यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये आप सॉरी 60 है ना, तो इस पे 60 बीच में लिखना है आपको, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं कि संरेखित पद्धति में हमने रेखा के ऊपर लिखा था, अब यहाँ पे हम रेखा को तोड़ कर लिख रहे हैं। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि रेखा को के ऊपर और रेखा को तोड़ के कैसे लिखने में कौन सी पद्धति का उपयोग होता है ना। तो ये 60 बाई 60 सामने क्या बना लिया यहाँ पे बॉक्स, जैसा कि यहाँ की ऊंचाई और चौड़ाई दी हुई। अब देखिए यहाँ से ये जो रेखा है ये कितने की है, 25 की है, तो हम यहाँ पे 25 तक मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो 35 की मार्किंग कर लेंगे, फिर यहाँ पे 25 है, ठीक है ना। फिर ये बचा हुआ कितना होगा, 25 में अगर हम 60 माइनस करते हैं कितना आएगा, 35 में अगर हम 60 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 35। तो 35 यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपने यहाँ 35 जाना है, फिर नीचे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ पे भी जो मार्किंग आएगी आपकी वो कितने की आएगी, 30 की आएगी, और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये जो आप यहाँ पर विमांकन दर्शाएंगे तो एक दिशा वाली पद्धति में, है ना, वो कैसा दर्शाएंगे, लाइन को तोड़ कर दर्शाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सीधा सीधा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको लाइन तोड़कर दर्शाना है, ठीक है। इस तरह से आपने सवाल देखा कैसे, किस तरह से सवाल में था और हमको आंसर किस तरह से करना है, तो आंसर हमारा इस तरह से आएगा, सवाल हमारा ये रहेगा, सवाल और ये आंसर। ये जो मेन डायग्राम है इसको आपको ऑब्जेक्ट लाइन बनाना, डार्क लाइन बनाना है, बाकी जो लाइनें रहेंगी इसके अंदर की वो हल्की रहेंगी, बाकी इनको एच पेंसिल से पूरा विमांकन स्पष्ट रूप से दर्शाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दो क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक दिशा वाली पद्धति क्या है और संरेखित पद्धति क्या है। एक दिशा वाली पद्धति में लाइन के ऊपर विमांकन करना है और संरेखित, एक दिशा वाली पद्धति में लाइन तोड़कर विमांकन करना है और संरेखित पद्धति में रेखा के ऊपर विमांकन करना है, ठीक है। इसमें एक चीज मैं और समझा दूं, आप अपनी बुक भी खोल के देखेंगे तो उसमें विमांकन का सिस्टम दिया हुआ है ना। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि साहब ये बॉक्स है, ठीक है ना, सपोज दैट, तो यहाँ पे तो हमने ऐसा विमांकन कर दिया है ना, मान लीजिए ये 60 है, यहाँ पे हमने इधर की तरफ विमांकन कर दिया, ये 60 है, यहाँ पे हमारा यहाँ ऊपर चला गया, देखिएगा आपको हमेशा ये 60 है, यहाँ पे जो विमांकन करना है तो कुछ लोग अंदर की तरफ कर देते हैं, जबकि हमको करना कहाँ है, यहाँ करना है या इधर नहीं करना, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इस दिशा में भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप किताब खोल के देखेंगे तो आपकी किताब में इस तरह से विमांकन दिया गया है, और जहां तक संभव हो तो अपने को वस्तु के अंदर विमांकन नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका
आपका विमानतर का छोटा सा था, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में कोई भी ड्राइंग आएगी तो काम करेगा। एक ही तरह से विमानतर पद्धति का उपयोग करेंगे, या तो संरेखित पद्धति का उपयोग करें या तो एक दिशा वाली पद्धति का उपयोग करें। दोनों पद्धति का मिक्स उपयोग आप अगर करेंगे तो भी आपका विमानतर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही प्रकार की पद्धति का उपयोग करेंगे सबको एग्जाम में। तो धन्यवाद विमांकन के लिए, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अक्षरांक।